प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसमें गीता को भी पढ़ना अपेक्षित है। गीता का जो अध्ययन है उसको हमें आपको करना है, परंतु 18 अध्याय और 700 श्लोकों का अध्ययन नहीं करना, हमें सिर्फ द्वितीय अध्याय का ही अध्ययन करना है। और इस द्वितीय अध्याय का जो नाम है वह सांख्य योग अध्याय, सांख्य योग इसका नाम है, और इसमें कुल 72 श्लोक हैं, और उन 72 श्लोकों का अध्ययन हमें आपको करना है। और हमने क्या किया कि इसके पूर्व दो वीडियो में हमने आपको लगभग 7 श्लोकों का अनुवाद करके, उसका व्याख्या करके, उसके भाव को हमने समझा दिया था। और अब जो है 8वां 9वां और इसके बाद के भी 10 11 जो भी हैं, जहाँ तक पहुँचेंगे उतना करके मैं आपको, है ना, इस वीडियो में उसका अनुवाद देता हूँ, उसका अनुवाद भी दूंगा, उसका भाव क्या, उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या, इसके वक्ता कथन क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो 8वां और 9वां इन दो श्लोकों को और इसके बाद के जो श्लोक हैं उन पर भी चर्चा होगी इस वीडियो में। तो इस कक्षा में मुख्य रूप से आप जो है गीता को पढ़ेंगे, और यह जो है ये बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित है, ठीक है। और आप जानते हैं कि आपको एक उपनिषद पढ़ना है और गीता में द्वितीय अध्याय को पढ़ना, और उपनिषद में आपको क्या पढ़ना है, ईशावास्योपनिषद पढ़ना है, जिसकी क्लास मैं आप में चला ही रहा हूँ, तो पीछे जा कर के आप उसको देख भी सकते हैं। मैंने उपनिषद पढ़ा, गीता को प्रारंभ किया हूँ, तो गीता का परिचय सामान्य हो गया। फिर उसके बाद हमने आपको लगभग 7 श्लोक पढ़ा दिए, और अब जो है 8वें श्लोक और फिर 9वें की बात आती है। देखिए, ये दोनों जो कथन है ये अर्जुन उवाच है, इसको आप समझ लीजिएगा, ये किसके हैं, तो ये अर्जुन उवाच है, ठीक है, ये अर्जुन ने कहा है। वैसे इसके पूर्व भी 2-3 बातें अर्जुन की ही कही गई हैं, तो ये भी अर्जुन के ही कथन, इसको आप समझ लीजिए। अगर आपसे कहीं पूछ ले किसका कथन है तो अर्जुन का ही कथन है। क्या कहा जरा सा देखें, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से 7वें मंत्र में क्या करता है, 7वें श्लोक में कहता है, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरण धारण करता हूँ, यत श्रेय जो कल्याणकारी स्यात होवे तत् माने वही बात है ना, निश्चितम मे ब्रोहे, मुझसे निश्चित रूप से आप कहें, और अहम शिष्य हते, मैं आपका शिष्य हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण से भी और कुछ कहा, अभी तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको तुरंत उपदेश देना नहीं शुरू किया, 7वें के बाद 8वां, फिर 8वें के बाद 9वां, इनमें भी जो है उसी की मनोदशा का उल्लेख है। तो अर्जुन की मनोदशा का उल्लेख है, और अर्जुन जो है वह भगवान श्री कृष्ण से फिर निवेदन कर रहा है कि नहीं प्रपस्यामि ममापनुद्यादयच्छोकमुशोषणम इन्द्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्नराज्यम, अवाप्य भूमौ असपत्नरिद्धम राज्यम सुराणाम पिचाधिपत्यम। फिर से इसको एक बार देख लें, नहीं प्रपस्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमुशोषणम इन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावसपत्नमरिद्धम राज्यम सुराणाम पिचाधिपत्यम। एक एक पद को थोड़ा सा तोड़ते हैं तो इसका अर्थ आप अच्छे समझ जाएंगे। नहीं प्रपस्यामि मम अपनुद्याद, ममापनुद्याद, मम अपनुद्याद, अपनुद्याद है ना, दूर कर शके, यत जो, शोकम उत्सोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ, भूमाव है ना, आयादि संधि है, तो भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम शुराणाम अपि च अधिपत्यम। एक एक पद को फिर से देख लिए, नहीं प्रपस्यामि मम अपनुद्याद यत शोकम उत्सोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च अधिपत्यम। अर्जुन 7वें में क्या कहा कि कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव धर्म है न प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत श्रेय तनमे ब्रूहि निश्चित, यत श्रेय स्यात ब्रूहि तनमे निश्चितम शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। 7वें में यह बात कही थी कि कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, 8वें को जानने से पहले हमको थोड़ा 7वें पर जाना पड़ेगा, उसकी पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। तो कहा क्या कि कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, हमारा जो स्वभाव है वो उपहत नष्ट हो चुका है। क्यों नष्ट हुआ, तो कायरता रूपी दोष के कारण। अर्जुन में इतनी कायरता आ गई है कि उसका जो स्वभाव था, उसका जो क्षत्रियोचित कर्तव्य था वह नष्ट हो गया, उसकी जो वीरता के भाव थे, जो अर्जुन वीरता की प्रतिमूर्ति था, आज वह कायरता से युक्त हो गया है। इसलिए उसकी जो
स्वभाव था वह नष्ट हो गया है। फिर वो कह रहा है कि नहीं प्रपस्यामि ही माने क्योंकि न प्रपस्यामि नहीं देखता हूँ, यत माने जो, शोकम माने शोक को, मम माने मेरे, अपनुद्याद माने दूर कर सके। बोले मम अपनुद्याद, मम शोकम मेरे शोक को, यत माने जो अपनुद्याद दूर कर सके, नहीं प्रपस्यामि मैं उस को नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरे शोक को दूर कर सके। ऐसा कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा जिससे मेरा शोक दूर हो। और किसका शोक है जरा सा देखें, तो कहता है मम माने मेरी, इंद्रियाणाम माने इंद्रियों का, उत शोषणम शोषण करने वाले, मेरे इंद्रियों का शोषण करने वाले, शोकम माने शोक को, ऐसा शोक है जो मेरी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, मेरी इंद्रियां जो है बिल्कुल शिथिल हो गई हैं। और उसको किसने बस में किया, तो शोक ने किया। और ऐसा शोक किससे दूर होगा, इस तरह का कोई उपाय मैं नहीं देख पा रहा हूँ, यही इसका भाव है। दोनों है ना, ये जो एक लाइन है माने जो दो वाक्यांश इनका अर्थ यही है कि यत माने जो, उत शोषणम इंद्रियाणाम, तो यत माने जो, मम माने मेरी, इंद्रियाणाम माने इंद्रियों के, उत शोषणम माने शोषण करने वाले, जो मेरी इंद्रियों के शोषण करने वाले शोकम माने शोक को, अपनुद्याद माने दूर कर सके, ऐसा कोई उपाय नहीं प्रपस्यामि मैं नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर करे। और कैसे है ना, जो मेरी इंद्रियों का जो शोक है, इंद्रियों का हरण कर लेने वाला जो शोक है, उसको दूर करने का कोई उपाय मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और फिर कहता है क्या, कब, बोला अवाप्य माने पा करके, यदि युद्ध करने के बाद मैं यदि विजयी हुआ तो मुझे हस्तिनापुर का राज्य मिलेगा, है ना, और यह जो कुरु प्रदेश है इसका मैं राजा बन जाऊंगा, परंतु तब भी मुझे शोक रहेगा, मैं शोक से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। पहली बात तो मैं युद्ध कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसी दशा में हूँ, और यदि युद्ध करके जीत भी गया तो मुझे और मेरी इंद्रियां जो हैं शोक से बिल्कुल व्याकुल रहेंगी। और यदि शोक के बदले मुझे क्या मिल जाए और शोक दूर हो जाए, तो बोले अवाप्य माने पा करके भी, भूमो माने भूमि, कैसी भूमि, बोले असपत्नम, असपत्न माने शत्रुविहीन, और रिद्ध माने संपन्न, शत्रुविहीन एवं संपन्न भूमो माने धरती को अवाप्य माने पा करके, च माने और, शुराणाम देवताओं के अधिपत्य, देवताओं के राज्य को और उसका अधिपत्य माने स्वामी बनने, स्वामित्व को भी अवाप्य माने पा करके भी, है ना, नहीं प्रपस्या में कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरे इंद्रियों के शोक को दूर कर सके। तो अर्जुन का जो भाव है बस इतना है कि यदि मुझे स्वर्ग का स्वामी भी बना दिया जाए और शत्रुविहीन और संपदा से युक्त धरती भी प्राप्त हो जाए, तो भी उत शोषणम इंद्रियाणाम, इंद्रियों को सुखाने वाले, इंद्रियों का हरण करने वाले, इस शोक को दूर करने का कोई उपाय मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बात आप समझ गए, या बात उसकी है कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले, मेरे इंद्रियों का, इंद्रियाणाम माने इंद्रियों का, उत शोषणम इंद्रियों का शोषण करने वाले, इंद्रियों के सामर्थ्य को खींच लेने वाले, शोकम माने शोक को, है ना, दूर करने का, अपनुद्याद माने दूर करने का, मम माने मैं नहीं प्रपस्यामि नहीं देख पा रहा हूँ, क्या उपाय, कोई भी उपाय नहीं देख पा रहा हूँ। और कब, बोला ये तो मैं सामान्य हूँ, यदि मुझे यहीं पर सुराणामपि देवताओं के राज्य को और उसके स्वामित्व को भी अवाप्य माने यदि पा जाऊँ और संपूर्ण धरती जो है वो शत्रुविहीन हो जाए और संपदा से युक्त हो, उसको भी पा करके मैं इस समय इंद्रियों को सुखाने वाले और इंद्रियों के सामर्थ्य को खींच लेने वाले शोक को दूर करने का कोई भी उपाय मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एवं उक्त्वा इतना कह करके ऋषिकेशम, ऋषिकेशम भगवान है ना श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया, देखिए ऋषिकेश, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा,
ऋषि क धन ईस। ऋषिक का अर्थ हुआ इंद्रियों का, ऋषिक का अर्थ होता है क्या इंद्रियों का, ऋषिक माने इंद्रियां और ईस माने हुआ स्वामी। तो ऋषिकेश, ऋषिकेश का अर्थ हुआ इंद्रियों का स्वामी। तो ऋषिकेशम इसको तोड़ेंगे, ऋषिकेश पद का अगर कहीं आपको है ना उसको दो भागों में करना हो तो कैसे करेंगे, ऋषिक धन ईश बराबर ऋषिकेश। और अगर गुडाकेश को कहीं संधि विच्छेद करना हो तो क्या करेंगे, गुडाक ठीक है धन ईश। तो गुडाक मीन्स होता है निद्रा, क्या निद्रा, और ईश का अर्थ हुआ स्वामी। जो निद्रा को जीत लिया उसे कहते हैं गुडाकेश। तो यहाँ पर यह जो गुडाकेश पद आया है वह अर्जुन के लिए आया, और ऋषिकेश पद जो आया है वह भगवान श्री कृष्ण के निमित्त है। तो इसको एक एक बात को आप समझने की कोशिश करिएगा, यह अर्थ हुआ इतनी बात को। देखिए इंद्रियों का स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण नारायण जो उसमें निवास करते हैं, वही सामर्थ्य परमात्मा है। तो बता रहे हैं कि समय ऐसे लगता है कि मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला यह जो शोक है ठीक है, यदि मुझे राज्य देवताओं का राज्य और उनका स्वामी भी बन जाऊं और संपूर्ण धरती जो है वह मिल जाए, और कैसी मिले तो शत्रुविहीन असपत्नम, शत्रुविहीन और वृद्धम संपदा संयुक्त यदि मुझे प्राप्त हो जाए, तब पर भी मैं इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर करने का कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूँ। फिर इसीलिए यहाँ पर देखिए इंद्रियों संबंधित बात है, इसीलिए यहाँ पर ऋषिकेश पद का प्रयोग किया गया। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप नयोत्स न योत्स या है न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तु श्रीं बभूवः। एवं उक्त्वा इतना ऋषिकेशम, एवं है ना ऋषिकेशम उक्त्वा इतना ऋषिकेश से कह करके, इतना ऋषिकेश से कह करके, ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से इतना कह करके, कौन बोले परम तपह शत्रुओं को तपाने वाला, और गुडाकेशह, गुडाकेशह कर दुआ निद्रा को जीत लेने वाला, अर्थात कौन अर्जुन। अर्जुन ने ऋषिकेश से भगवान श्री कृष्ण से एवं उक्त्वा इतना कह करके ठीक है, अब बोले क्या न युत्स युद्ध नहीं करूँगा इति माने फिर गोविंदम उक्त्वा फिर गोविंद से कह करके, तूषणी बभू, तूषणी माने चुप, बभू माने हो गया, वह बिल्कुल शांत हो गया, चुप बैठ गया। अब समझ में आया, पहले है ना एवं उक्त्वा इतनी बात कह करके, जो ऊपर वाली बात कही गई क्या कि देवताओं का राज्य और उनका स्वामी तथा शत्रुविहीन और संपदा संयुक्त धरती को प्राप्त करके भी मम माने मैं इंद्रिया आराम शोषण इंद्रियों का शोक करने वाले शोक को अपनुद्या दूर करने का कोई भी उपाय न प्रपस्या में नहीं देख पा रहा हूँ। एवं इस प्रकार की बात को ऋषिकेशम उक्त्वा ऋषिकेश से कह करके, कौन गुडाकेश परंतप शत्रुओं को तपाने वाला गुडाकेश माने अर्जुन, एवं माने इतनी है ना बात को ऋषिकेशम उक्त्वा भगवान श्री कृष्ण से कह करके है ना, और फिर इत माने फिर न युद्ध युद्ध नहीं करूँगा गोविंदम उक्त्वा गोविंद से कह करके, भगवान श्री कृष्ण से कह करके तूषणी बहु चुप हो गया, शांत बैठ गया कि भगवान श्री कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो एक बार तो बड़ी ऊंची बात कहता है क्या, यह जो शोक है इसके कारण अब युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, इसका कोई उपाय नहीं दिख पा रहा है। अब इसके बाद जो नौवां श्लोक है, दसवां श्लोक है, वो द्वितीय अध्याय का, वहाँ भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से उसको समझाएंगे। असोच्चारण सोच स्तम प्रज्ञावादांश्य भाष से गतासून गतासून नान सोचन्ति पंडिता। अभी ये बात उनको समझाएंगे, एक तरफ तो बड़ा विद्वान बनने वाली, एक तरफ बड़ा अच्छा उपदेश दे लेते हो है ना कि गुरुन हत्वा हि महानुभावान भोक्तुम भैक्षम अपि हि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुन है वह भुंजीय भोगान रुद्र प्रदिग्धान, कि मैं भिक्षा का अन्न मांगना मेरे लिए श्रेयस्कर है, गुरुओं का वध नहीं करूँगा, गुरु लोगों का वध करके जो भी मुझे भोग प्राप्त होगा ऐसा अर्थ और कामरूपी जो भोग है वो तो गुरुओं के खून से सना होगा। एक तरफ आप विद्वानों जैसी भाषा बोल रहे हो, दूसरी तरफ मूर्खों जैसा काम कर रहे हो, युद्ध नहीं कर रहे हो। तो युद्ध नहीं कर रहे हो तो धनुर्विद्या क्यों सीखी है ना, कोई सैनिक जो है पूरा सैन्य प्रशिक्षण ले और जब युद्ध की बात आए तो है ना हथियार रख करके कहे मुझे खून देख के डर लगता है, तो फिर प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ, किस लिए तुम जो है ना ट्रेनिंग लिए, किस लिए तुमने प्रशिक्षण कार्य किया, तो जब वो कार्य फले ही ना तो उसका मतलब ही क्या रह गया, निष्फल है। तो यहाँ कहने का भाव यही है कि इतनी बात जो है वो कौन कहता है, अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण। अब भगवान श्री कृष्ण जी ग्यारहवें दसवें ग्यारहवें बारहवें से अपना उपदेश देना शुरू करते हैं,
तो अब हम आप मुख्य उपदेश की धारा में आ गए। उपदेश की जो मुख्य धारा है अब इस श्लोक के बाद से प्रारंभ होती है, जहाँ से हमको आत्मज्ञान संबंधी बहुत सारी बातें प्राप्त होती हैं। तो जरा सा देखिएगा भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश का माध्यम कैसे चुना। तो प्रिय विद्यार्थियों, दसवें, ग्यारहवें और बारहवें श्लोक का भी हम भावार्थ समझ लें, इसका जो अनुवाद है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। तम उवाच हृषि केशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः हसोच्चानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांस्य भाषसि गतासून गतासूनश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। तम उवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोः उभयोः मध्ये विषीदन्तम् इदम्, है ना। तम माने उस, विषीदन्तम् विषादयुक्त, भारत भरतवंश में उत्पन्न अर्जुन से, सेनयोः उभयोः मध्ये दोनों सेनाओं के मध्य में, प्रहसन इव हंसते हुए से ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने इदम वचः इस प्रकार के वचन में कहा, इस प्रकार की वाणी बोले। फिर से आप समझ लें। तम वाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषीदन्तम् इदम् वचः। तो बोले विषीदन्तम् माने विषादयुक्त, तम उस श्री कृष्ण, उस अर्जुन से ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रहसन्न इव हंसते हुए से, इव माने से, हंसते हुए से सेनयोः उभयोः मध्ये दोनों सेनाओं के मध्य में इदम् वचः इस प्रकार की वाणी, है ना, कहा। क्या कहा? असोच्यानन शोचस्त्वं प्रज्ञावादांस्य भाससे गतासून गतासूनश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। क्या कहा कि असोच्यानन, असोच्यान अनुशोचस्त्वं, असोच्यान अनु, असोच्यान अनु, है ना, शोचस्त्वं प्रज्ञावादांस्य भाससे गत असून अगतासूनश्च नानु शोचन्ति पण्डिताः। कहा क्या कि असोच्य, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि असोच्यान, असोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांस्य भाससे। तो यहाँ पर ऐसे को अगर ऐसे कर लें तो हो जाएगा सोच्य। यहाँ तक ध्यान दें, सोच का अर्थ होता है जिन विषयों में शोक करना चाहिए उसे क्या कहते हैं, सोच्य, और जिन विषयों में शोक नहीं करना चाहिए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं असोच्य। तो बोले असोच्यान, असोच्यान माने जो शोक करने योग्य विषय नहीं है। अन्वशोचस्त्वम, अन्वशोचत शोक करता है, तुम माने तुम उसी में शोक करते हो जिन विषयों में शोक नहीं करना चाहिए। जैसे क्या? धन पुत्र स्त्री इत्यादि, ये संपूर्ण संसार जो है आप जानते हैं कि नष्ट होने वाला, एक दिन समाप्त होने वाला, फिर भी हम क्या करते हैं, कुछ खो गया तो शोक कर लेते हैं, है ना, कुछ नष्ट हो गया तो रोने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, गीता करे। क्यों? बोले असोच्यान अन्वशोचस्त्वम, तुम असोच्य, जो शोक करने योग्य वस्तुएं नहीं हैं, ठीक है, शोचस्त्वम, तुम उसी में शोक करते हो। और बोले दूसरी ओर प्रज्ञावादान से भाससे, और दूसरी ओर प्रज्ञावान, प्रज्ञा बुद्धि, और वान वाला, बुद्धि वाला, बुद्धिमानों की भाससे माने भाषा कहते हो। तो एक तरफ तो आप असोच्यानन्व शोचस्त्वम, जिन विषय में शोक नहीं करना चाहिए उन विषयों में तुम शोक कर रहे हो, और दूसरी ओर प्रज्ञावादान से भाष से प्रज्ञानों, प्रज्ञावान अर्थात बुद्धिमानों की भाषा बोलते हो। अर्जुन, पहले तुम पंडित और अपंडित का लक्षण जान लो कि किसे विद्वान कहते हैं और किसे अविद्वान कहते हैं, ना, मूर्ख कहते हैं। बोले गत असून, और नाम हलंत हो जाएगा तो अगत असूंश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः। बोले पंडिताः, जो पंडित होते हैं
वे गत असून, असुनाम प्राण, गत असून जिनके प्राण चले गए, और अगत असून च माने और अगत असून, और जिसके प्राण अगत नहीं गए अर्थात अभी जीवित हैं, अर्थात गत असून जिनके प्राण चले गए अर्थात मृत व्यक्ति, और अगत असून अगत असून जिनके प्राण नहीं गए अर्थात जीवित व्यक्ति, मृत व्यक्ति और जीवित व्यक्ति में पंडिताः न अनुशोचन्ति, पंडित कभी शोक नहीं करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पंडित जो होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो जीवित और मृत दोनों व्यक्तियों में क्या होता है, तटस्थ रहता है, उनमें शोक नहीं करता है। और तुम कौन हो? तुम न तो बुद्धिमानों वाला कार्य कर रहे हो, न मूर्खों वाला कार्य कर रहे हो। जिस विषय में तुम्हें शोक करना है उस विषय में तुम शोक नहीं करते, और जिस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए उसमें तुम शोक कर रहे हो, और दूसरी ओर बुद्धिमानों की भाषा बोलते हो। तो अर्जुन, जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण अभी शेष हैं अर्थात मृत व्यक्ति और जीवित व्यक्ति, है ना, जिसका प्राण चला गया वो कौन हुआ? मृत, और जिसके प्राण शेष हैं वो कौन हुआ? जीवित। तो इन दोनों में जो पंडित है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो तटस्थ रहता है, वो इन दोनों में कभी कोई शोक नहीं करता है, है ना। जैसे जीवित में व्यवहार करता है वैसे मृत में भी व्यवहार करता है, उसके लिए हर्ष शोक घृणा, है ना, हर्ष शोक विषाद घृणा, हर्ष जो भी है, हर्ष विषाद शोक, है ना, सुख दुख सर्दी गर्मी इत्यादि में बिल्कुल तटस्थ रहता है, वही ज्ञानी है, वही पंडित है। और फिर आगे क्या बोला, फिर आगे जो है अर्जुन नहीं बोला, अब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को फिर समझाते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन न तु एव अहम् जातु नासम न त्वम न इमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो इसको तोड़ ले तो न तु एव अहम्, न माने न, तू माने तो, एव माने ही, अहम माने मैं, जातु माने कभी, न आसम नहीं था, बोले न माने न, तू माने तो, एव माने ही, न तो ऐसा ही हुआ कि अहम माने मैं, जात माने कभी, न आसम नहीं था। ऐसा नहीं है कि अहम माने मैं, जात माने कभी भी, न आसम नहीं था, न त्वम न तुम थे, ऐसा भी नहीं है कि तुम भी नहीं थे, न इमे जनाधिपाह, और ऐसा भी नहीं है कि इमे जनाधिपाह न आसम, ये राजा लोग भी नहीं थे, ये राजा लोग भी थे। और न च चा माने और, न एव, न ऐसा ही है कि वयम सर्वे, हम सभी, अतः परम, इसके बाद न भविष्याम, नहीं होंगे अर्थात निश्चित होंगे। ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं थे, या तुम कभी नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि हम सब इसके बाद नहीं होंगे अर्थात निश्चित रूप से हमारी सत्ता रहेगी, ठीक है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद का जो श्लोक है उसको समझाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बड़े अच्छे से समझाए कि अर्जुन, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं हुए थे, आप भी थे, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद नहीं होंगे, वयम सर्वे मतः परम, ऐसा भी नहीं कि इसके बाद नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, निश्चित रूप से हमारी आपकी सत्ता होगी। और फिर समझा रहे हैं कि अर्जुन, देहिनोस्मिन्न यथा देहे कौमारे यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर कौन है? तो बोले धीर तत्र न मुह्यति, धीर उन विषयों में मोह नहीं करता है, उन विषयों में शोक नहीं करता है। बोले क्या? बोले देहिनः अस्मिन्न यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति। बोले देहिनः, देह माने शरीर, और देही जो देह में रहे, जैसे धन और धन जिसके पास हो, धनी, रोग और रोग में जो हो, है ना, रोग जिसको हो गया और रोगी, तो वैसे देह और देह में जो स्थापित है, देह में जो निवास करता है, उसे कहते हैं देही, तो है ना, देही माने आत्मा। तो बोले यथा माने जैसे, देहिना माने जीवात्मा के, देहे माने शरीर में, अस्मिन देहे इस शरीर में, दोनों सप्तमी में है, यथा माने जैसे, देहिना माने जीवात्मा के, अस्मिन देहे इस शरीर में, कौमारम यौवनम जरा, एक क्रम से, कौमारम कुमारावस्था,
यौवनम युवावस्था और जरा वृद्धावस्था और फिर तथा उसी प्रकार से देह अंतर प्राप्ति, देह अंतर प्राप्तिर तो देहांतर प्राप्ति है, अंतर देह प्राप्ति, अंतर दूसरे देह प्राप्ति, दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। धीरह और जो धैर्यवान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, तत्र न मुह्यति, उसमें किसी प्रकार का कोई मोह नहीं करते, उसमें किसी प्रकार का कोई शोक नहीं करते। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ वही बात आ गई कि जीवित और मृत व्यक्ति में विद्वान कभी शोक नहीं करता है, शरीर के परिवर्तन में कौमारावस्था युवावस्था जरावस्था में शोक नहीं करता है, और यहाँ तक इस देह को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करने पर भी उसे शोक नहीं होता है। तो वह है कौन? धीर व्यक्ति। तो अभी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी धैर्यवान कौन होता है उसका लक्षण दे रहे हैं, पंडित कौन होता है उसका लक्षण कौन है, है ना, उसका लक्षण क्या होता है। तो पहले उनको धैर्यवान बनने की चेष्टा जो है उपदेश देते हैं, फिर उन्हें पंडित और अपंडितों के बीच का क्या अंतर उसको समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी उनको एक प्रकार से वो अधिकारी बना रहे हैं कि यह जो है यह आत्मज्ञान के लिए उपयुक्त अधिकारी है या नहीं, उसको उसके एक अधिकारी के भीतर जो जिज्ञासा होनी चाहिए वह उत्पन्न कर रहे हैं। अब समझ में आया? तो उस जिज्ञासा के उत्पन्न होने के बाद जब वो अपना उपदेश, है ना, आत्मज्ञान का पूर्ण रूप से शुरू करेंगे तो वह उसको बिल्कुल ग्रहण धारण पटु, है ना, बिल्कुल निपुण हो जाएगा ग्रहण करने में, धारण करने में बिल्कुल निपुण होता चला जाएगा, उसको एक एक बात अच्छे से समझता चला जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही, और आपको फिर इसके बाद के जो भी श्लोक हैं वो मैं आपको अगली कक्षा में बताऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।